नेटकैम पेंटिंग बना रहे हैं, आपको मेरी बुक में दिख रहा होगा कि मैंने दो स्ट्रेट लाइन और उसके पास में स्लेटिंग लाइन ड्रॉ की हुई है, वो आपको पहले कर देनी है। आपके पास अगर ट्यूब कलर नहीं है तो आप वाटर कलर का डॉट लगाओ, पर कलर ज़्यादा लेना है, मैंने ये डार्क ऑरेंज कलर लिया है। उसके बाद ओकर येलो, ऊपर येलो के लिए अगर आपके पास नहीं है तो येलो में सिर्फ थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा रेड डाल दो तो ऊपर येलो हो जाएगा। ये मैंने ग्रीन कलर लिया है, डार्क ग्रीन अगर आपके पास नहीं है तो ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दो, थोड़ा सा ही तो डार्क ग्रीन हो जाएगा। ये मैंने लेमन येलो लिया है, ये काम जितना हो सके उतना फटाफट करना क्योंकि ये वाटर कलर है, सूट तुरंत जाएंगे। नॉर्मल ग्रीन कलर, पर्शियन ब्लू अगर आपके पास नहीं, थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दो, पर्शियन ब्लू बन जाएगा। अल्ट्रामाइट ब्लू, जो नॉर्मल ब्लू हमारा कलर होता है वही। आपको एक स्पून या फिर नाइफ लेके इसे टपटपाना है। ये काम स्पून से या फिर नाइफ से करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद का जो टैपिंग का होगा वो अच्छे से होगा। आप ब्रश से करोगे ये काम तो ये सारे कलर ना ब्रश में चिपक जाएंगे और कलर कम हो जाएगा, तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ये भी स्पून का भी आगे का टोका पार्ट लेके ही हमको करना है। एक बार हो गया फिर उसके बाद वापस उसको शार्प करने के बाद ही दूसरे कलर में टच करने देना, वरना सारे कलर मर्ज हो जाएंगे। ऊपर व्हाइट कलर लेके ब्रश का स्ट्रोक दे रही हूँ, थोड़ा सा पतला वाला व्हाइट लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, जल्दी सूख ना जाए उस हिसाब से आपको करना है स्पीड से। नीचे भी सेम वही कलर व्हाइट कलर का स्ट्रोक लेना है। अब ये काम स्लिपिंग लाइन में करोगे, स्टैंडिंग में नहीं करना है क्योंकि पानी और आकाश स्लिपिंग में ही होता है। जब आप दूर देखो तब दूर की चीज़ दिखते हो तब। अभी मैंने ब्लू, लाइट ब्लू कलर लिया है, मतलब जो ब्रश हमारा वाइट वाला था उसको मैंने ब्लू कलर में सिर्फ थोड़ा सा ही टच करवाया है, उसके बाद में तो इस तरीके से किया है तो वो लाइट ब्लू हो जाएगा। स्पंज लेना है, ड्राई स्पंज लेना है, गीला मत लेना, और उसको टैप करते जाना है। अगर आपके पास स्पंज नहीं है तो आप कॉटन ले सकते हो। वापस आप ब्लू में कर रहे हो तो स्पंज साफ कर दो या फिर दूसरा ले लो, सेम वही कॉटन में भी वही करना है, वो कॉटन वापस ब्लू में यूज़ नहीं करना है, अभी नहीं करना है।
वाइट कलर। देखो ये वाटर कलर है तो ब्लू कलर, अगर ब्लू में हम वाइट डालेंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट तुरंत नहीं आएगा, हम 3-4 बार और करेंगे तब भी स्किन इफेक्ट आएगी। एक्रेलिक कलर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो एक ही डॉट में उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। वापस से नीचे की ओर मैं ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर ऐसे कलर दे रही हूँ, ब्लू में देने की जरूरत नहीं है। वो मैंने डार्क ग्रीन लिया था, अभी आपको जो और सूखा हुआ ब्रश है वो लेना है, थोड़ा सा पानी में डिप कर देना, बहुत ज्यादा नहीं, और वही कलर जो आपने ऊपर किया है उसको ही नीचे की ओर सीधा स्ट्रोक देना है। सीधा स्ट्रोक दोगे तभी दिखेगा ये काम, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं जो ऊपर हमने किया है उसका, सो रिफ्लेक्शन टेढ़ा मेढ़ा अभी नहीं दिखाना है। रिफ्लेक्शन भी टेढ़ा मेढ़ा होता है पर अभी इसमें हमको स्ट्रेट रिफ्लेक्शन दिखाना है। ट्री बना रहे ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ मैं, अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो पेंसिल से ड्रॉ कर लो आप। सिर्फ ब्रांचेस बना रहे बिकॉज हमने जो शेडिंग किया है येलो ग्रीन वो ऑलरेडी हमारा ट्री ही है, मैं सिर्फ ब्रांचेस बनाऊंगी। ब्रांचेस बनाते वक्त ध्यान रखना है कि हमारा ब्रश जो है वो आगे से पतला रहे और ज़्यादा वजन दे के मत करना, वरना हमारी ब्रांचेस बहुत ब्रॉड हो जाएगी, है ना। तो आगे का टोपा यूज़ करके हमको उसी हिसाब से हमको ये ब्रांचेस बनाएंगे तो वो पतला पतला होता रहेगा। और ज़्यादा कलर नहीं लेना है, ज़्यादा कलर लेने से भी ब्रांचेस बड़ी हो जाएगी, हो सके तो आप 0 ब्रश यूज कीजिए, 0-0 वाला या फिर 0-0 या फिर सिंगल 0, वो ब्रश पतले होते हैं आगे से तो आप ब्रांचेस पतली ही बनेंगे।
ब्रांचेस ग्रो करते हैं। ब्लैक कलर की ब्रांचेस की है, वो सूख जाने के बाद हम थोड़ा सा उसको इफेक्ट देने के लिए व्हाइट कलर का यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा व्हाइट कलर नहीं लेना है कि हमारी ब्लैक ब्रांचेस ही ना दिखे, ठीक है। लाइट 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 करना है। एक बार व्हाइट ब्रश में व्हाइट कलर में हमने डिप कर दिया तो बार बार डिप करने की जरूरत नहीं है, उसी ब्रश से सब जगह पे खत्म करो। अगर आपके पास ऐसा टैपिंग वाला ब्रश नहीं है तो आप व्हाइट ब्रश से आगे की ओर उसके जो पार्ट होता है आगे का ब्रश का वो पकड़ के फिर पतला 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 करोगे तो भी अच्छा दिखेगा। ये हम पानी बना रहे हैं। वाला जो हम रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं तो क्या करना है, पानी वाला ब्रश पूरा लेना है, उसको थोड़ा सा ऐसे झटक देना है। झटकाने के बाद हम उसको थोड़े से ब्लैक कलर में डालेंगे तो वो पूरा पानी वाला जो पार्ट है वो लाइट ब्लैक हो जाएगा। तो फिर उसको हम लाइट 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 ग्रो करोगे तो वो रिफ्लेक्शन जैसा ही दिखेगा। ब्लैक कलर डायरेक्ट डिप करके नहीं करना है, व्हाइट कलर का वापस से रिफ्लेक्शन देने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लू कलर हमारा पूरी तरह से सूख गया। ब्लैक कलर की ये बॉर्डर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने जो बॉर्डर को नहीं की है तो आपको ब्लैक कलर की बॉर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे रखा है वैसे उसका अच्छा लगेगा। पर मैंने जो की थी बॉर्डर तो उसको ब्लैक कलर कर दिया। We'll be right back.
रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा दिखता है नीचे की ओर।